हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 में सिलेक्शन नहीं हो पाया और आपकी तैयारी पूरी है तो आपको एक और मौका मिल रहा है। और जो नए अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। विज्ञापन शीघ्र ही अक्टूबर के अंत तक आने वाला है। टीजीटी के जो नया विज्ञापन होगा उसमें साक्षात्कार खत्म हो चुका है। टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार 6 नंबर से शुरू हो रहे हैं। जो टीजीटी 2016 के हिंदी के साक्षात्कार 6 नंबर से शुरू हो रहे हैं, तो पूरी क्या अपडेट है चलिए देखते हैं। तो कल जो मीटिंग देखिए, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज बोर्ड की मीटिंग में कुछ मुद्दों पर फैसले हो सके, कुछ मुद्दों पर फैसले बाकी हैं। अब देखिए क्या क्या फैसले हुए, इसकी न्यूज आज अमर उजाला में भी दी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। विज्ञापन वर्ष 2020 अक्टूबर के अंत तक आना हुआ निश्चित, यानी कि विज्ञापन जो है अक्टूबर के अंत तक बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैथ टीजीटी की तैयारी, पीजीटी की तैयारी हम अपने चैनल पे भी कराएंगे। जो मैथ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम पूरी तैयारी, आपका पूरा सलेक्शन दिलाएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दूसरी न्यूज है, 6 नवंबर से टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार होगा आरंभ। विज्ञप्ति कल या परसों होगी, यानी आज या कल जो है इसकी विज्ञप्ति आ सकती है। 6 नवंबर से हिंदी के साक्षात्कार शुरू है। नंबर 3 है, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा पर अलग से होगी बोर्ड की मीटिंग। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा पर अलग से होगी बोर्ड की मीटिंग। 1 सप्ताह के अंदर उसी समय होगी परीक्षा की तिथि की घोषणा। और नए विज्ञापन में जीव विज्ञान वालों को मिलेगा मौका, यानी जीव विज्ञान वालों का जो नया विज्ञापन आने वाला है अब 2020 का, उसमें मौका मिलेगा। टीजीटी विज्ञान में लगभग 4 अभ्यर्थियों और अप्रयोक्ता अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के तथा टीजीटी अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के बचे हुए साक्षात्कार 25 अक्टूबर के बाद भी लगाए जा सकते हैं। यानी कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू रह गए हैं तो वो 25 अक्टूबर के बाद उनके इंटरव्यू हो सकते हैं। 22 अक्टूबर से पहले साक्षात्कार कार्यक्रम लगाए जाने पर एनआईसी ने जाहिर की असमर्थता। प्रतीक्षा सूची अधिकतम रखने पर बनी सहमति, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाएगी, ये बड़ी खुशखबरी बात है। आने वाले नए विज्ञापन से टीजीटी में साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा। देखिए ये काम की बात है, आने वाला जो नया विज्ञापन होगा उसमें इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। आने वाले विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा। और एक बात और समाप्त हो जाए, एमएड पीएचडी और खेल जैसे भारांग भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जो जिन पे पीएचडी और खेल जैसे भारांग जो है वो टीजीटी में जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, केवल पीजीटी में ही रहेंगे। ठीक है, 2016 में चयनित नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों पर अभी नहीं हो सका फैसला। तो 2016 में जिनके कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है तो उनके लिए अभी थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया। तो आप देखिए यही न्यूज़ विज्ञान अमर उजाला में भी दी है जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सेम यही न्यूज अमर उजाला में भी दी हुई है। तो बिल्कुल पक्का है कि यह विज्ञापन जो है आपका अक्टूबर के लास्ट तक आने वाला है। और टीजीटी हिंदी का जो साक्षात्कार है वो 6 नंबर से शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक और न्यूज आपको देना चाहेंगे, दूसरे दिन भी नहीं खुले शिक्षक भर्ती की वेबसाइट। तो बेसिक शिक्षा परिषद की 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थी कि नियुक्ति जिला आवंटन के लिए 7 से 11 अक्टूबर के बीच सफल अभ्यर्थियों के आवेदन करना था। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नहीं खुल सकी। इससे परेशान अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का ध्यान जब खींचा तो उन्हें कहा कि कुछ तकनीकी कमी के चलते वेबसाइट शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से वेबसाइट काम करने लगेगी, यानी कि उनमें कुछ क्या इसमें रह गए थे तो वो शुक्रवार से इनकी वेबसाइट चालू हो जाएगी। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें टीजीटी पीजीटी निकालना है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम पूरी तैयारी टीजीटी पीजीटी मैथ की कराएंगे। तो बहुत सारा मैटर हमारे चैनल पर पड़ा है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और शीघ्र ही हम नई जो वीडियो है वो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।